नमस्कार, हमारे साथ हैं घुड़सवारी कोच निहाल सिंह जी। निहाल सिंह जी ने हाल ही में एशियाड में पदक जीतने वाली सुदीप्ति हजेला को भी कोचिंग दी है। तो निहाल सिंह जी, वेब दुनिया में आपका स्वागत है जी। तो निहाल सिंह जी, बताएं कि सुदीप्ति ने जो मेडल जीता है जी, क्या आपको लगता था कि वो वहाँ तक पहुँच पाएगी? जी हाँ, लगता था। उसके मतलब उसने मैं मेहनत कड़ी करी, उसके बाद में जब उसको मैंने राइडिंग कराया है तो उस टाइम 2013 अक्टूबर में मैंने उनके साथ में आया। मैं उनके पास में मतलब 5 घोड़े थे क्लब के, तो जिसमें उनका एक घोड़ा था जो नर था, तो उस पर तो वो राइडिंग नहीं कर सकती थी। उन्हें 2 घोड़े अपने मेहता साहब के थे, अपना शांति निकेतन, और 2 घोड़े अपना विनोद पटेल के थे, एक घोड़ा था अपना इनका सुदीप्ति का। तो फिर बाद में यहाँ पर ये वो घोड़े उस लेवल के नहीं थे, तो उसमें राइडिंग्स करना शुरू कराया। तो राइडिंग शुरू करने की ये अक्टूबर की बात है, तो अक्टूबर में जब राइडिंग शुरू की तो इसकी राइडिंग थोड़ा पहले करती थी, लेकिन राइडिंग कमज़ोर थी, कोई विशेष नहीं। फिर मैंने इसको किया, मैंने कि यार अगर इसको राइडिंग कराना है या फिर घोड़े अच्छे चलाना है, तो हमारे पास 4 घोड़े, मैंने हजेला साहब को भी बोला, मैंने कहा सर आपका जो घोड़ा है वो स्टैलियन था, तो मैंने इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इस पर राइडिंग कर नहीं पाएगी, तो इसलिए सबसे अच्छा है। तो दूसरे घोड़ों पर मैंने इसको राइडिंग कराया, और राइडिंग भी इतना कि डेट मध्य एक हमारा जो अपना विदाउट स्टेप बोलते हैं, तो ये मैंने इसको 1.5 घंटे विदाउट स्टेप चलवाया, इसकी पहले राइडिंग मजबूत करी। तो अक्टूबर में इसका कोर्स चालू किया और ड्रेसाज से संबंधित इसको पूरी जानकारी दी। फिर हम मतलब दिसंबर 2013 पहला गेम इसने खेला कलकत्ता में, तो हमारे पास में घोड़ा तो था नहीं, इसलिए तो फिर वहाँ पर एक संदीप दीवान थे मेजर, उनसे घोड़ा हमने लीज पे लिया, घोड़े का नाम था अपना क्विस्ट, उसको हमने लीज पे लेकर के फिर इसको ड्रेसाज कराया। तो वहाँ इसने इंडिविजुअल में 3rd मेडल लिया। 3rd मेडल लेने के बाद में फिर उसी घोड़े को हमने उनसे खरीदा, उस पर फिर उसकी यहाँ पर ट्रेनिंग चालू हुई, और इसको मैं राइडिंग कराता था तो वो उस पर राइडिंग करती रहती थी, और मैं दूसरा घोड़ा जो इनका था मतलब आइकॉन को मैं ट्रेन करता रहता, तो इससे कहते थे विदाउट स्टेप घंटे भर चलती रहे। फिर इसके बाद में अगले साल 2014 में जब दिसंबर में दिल्ली में और शो हुआ, तो इसने दोनों घोड़ों पे 3 मेडल लिए। बस उसके बाद में फिर इसके चलते गए, पूना में हुआ NDA में, फिर इसने लौट के नहीं देखा, अच्छे अच्छे काम चलते रहे। पर ये मैंने सुना चल रहा 2018 तक, 2018 के बाद में फिर ये मतलब जैसे इसने ग्रुप 2 खेला, ग्रुप 1 खेला, उसके बाद में जूनियर खेला, जब ये यंग राइडर में आई तो फिर उसके बाद में फिर हमने हजेला सर को बोला, मैंने कि अब आगे जाने के लिए अपने पास जो घोड़े हैं वो इस लेवल के नहीं हैं। फिर उन्होंने क्या करे, तो फिर हमने बॉमलेट घोड़ा ख़रीदा एक क्रिस्टी करके दिल्ली से, वो क्रिस्टी पे इसने यहाँ पर मतलब ट्रायल दिया, लेकिन उस पर सक्सेस नहीं हो पाया, ये 2019 की बात है। फिर बोले कि अब क्या इसको अगर खेलना, मैंने कि इसको अगर घोड़ा अच्छा मिल जाएगा, तो यहाँ अपने यहाँ इतनी सुविधाएं तो थी नहीं, घोड़े ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने कि अब क्या करना चाहिए, तो बोले हजेला साहब बोले सर बाहर से इसको ट्रेनिंग दिलवाते हैं, मतलब क्वालिफाई कराते हैं एशियन गेम के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो उस टाइम करो ना, कल आ गया, तो एक साल इसका पूरा ऐसे निकल गया, यहीं काम चलते रहे। फिर जो 2022 में होना था, तो ये कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गया, तो 2017 में होना था, तो बोले एक साल उसका नहीं कहता, वहाँ इसने क्वालिफाई कर लिया था, और वहाँ पर एक घोड़ा ख़रीदा इन्होंने 90 लाख रुपए का, हजेला साहब ने 90 लाख घोड़ा ख़रीद के फिर इसे ट्रायल दिया इसने, वहाँ पर क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद में फिर ये हो गया कि अभी एशियन गेम के लिए जाएगी, तो कोरोना काल की वजह से वो बंद हो गया। फिर एक साल बाद ये ना 2023 में इसने फिर ट्रायल दिया, उसने क्वालिफाई किया, वो क्वालिफाई करने के बाद में गेम खेलने की एशियन गेम में। निहाल सिंह जी, सुदीप्ति ने एशियाड में जो ड्रेसाज में पदक जीता है जी, ये घुड़सवारी में ड्रेसाज आखिर होता क्या है और कैसे खेला जाता है? ड्रेसाज सर ये टेक्निकल गेम है। ड्रेसाज में मतलब 20x60 का एक राइडिंग स्कूल होता है, जिसमें मार्कल लगे रहते हैं, और मार्कल टू मार्कल आपको कई प्रकार से मतलब जैसे वॉक ट्रॉट कैंटर हाफ पास फुल पास रन बैक फ्लाइंग चेंज ये सब कराना होते हैं, और उसका एक टाइमिंग होता है, मतलब जो है जजिंग में उन्होंने टाइम दे दिया कि आपको
छः मिनट में या पाँच मिनट में ये पूरा काम करके देना है। तो मार्कल टू मार्कल ये जैसे हर ड्रेस अलग अलग है, किसी के 29 पॉइंट है, किसी के 30 हैं, किसी के 40 हैं, उस हिसाब से इनको जैसे वॉक ट्रॉट कैंटर ये सब चलाना पड़ता है और इस आधार पर उसके पॉइंट बनते हैं और पॉइंटों के आधार पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड किया जाता है। ये ड्रेस साइज का मतलब ये खाली ये टेक्निकल है। आप जैसे खुद भी घुड़सवार रहे हैं, आपने भी बहुत सारे पदक जीते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सुदीप के अलावा और ऐसे कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं जो आगे जाके बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? नहीं सर, बहुत अपने इंडिया में एक से एक अच्छे खिलाड़ी पड़े हुए हैं। सवाल ये है कि उनको उतनी सुविधाएँ नहीं है, मतलब जैसे जिसके पास आप जैसे सुदीप जो मेडल लेके आई है, तो ये तो सुदीप्ति के फादर जानते हैं, मैं जानता हूँ कि उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया है। अच्छे अच्छे राइडर हैं मेरे सर, ना मैंने मैं पुलिस में भी बहुत से लड़कों को ट्रेनिंग दी और हमने मतलब ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी में जो अखिल भारतीय होता था उसमें हमने तीन बार हम मतलब मैं विनर रहे, दो तीन बार रनर विनर रहे, वहाँ से भी हमने अच्छे मेडल। लेकिन कारण क्या रहता है कि सर मतलब बच्चे हैं, अच्छी राइडिंग कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनके पास में जो सुविधाएं हैं उतना पेमेंट नहीं है। अगर ये सुविधाएं अगर गवर्नमेंट देती है, शासन देता है, जहाँ से भी जाता है, तो सर अपने यहाँ इंडिया में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर मैं आपकी उपलब्धियों की बात करूं, चाहे आप पुलिस में रहते हुए जी या बाद में जी, तो आपने किन किन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और कहां कहां पदक जीते? मैंने सर पुलिस में रहते हुए 89 मेडल जीते, उसी के आधार पर मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला 2004 में और 2005 में मैंने विक्रम अवार्ड लिया और अभी जो बच्चों की मतलब ट्रेनिंग के आधार पर मैं विक्रम विश्वामित्र का दे रहा हूँ 4 साल से। मैंने खुद ने भी मतलब लिए, मतलब मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है, विक्रम अवार्ड मिल चुका है और मैंने 89 मेडल जीते हैं हमला अखिल भारतीय नेशनल में और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल दो बार तीन बार खेला। ड्रेसाज में ये जो ड्रेसाज गेम में आपको बताऊँ, इसी ड्रेसाज में अखिल भारतीय पुरुष घुड़सवारी प्रतियोगिता में 11 सेकेंड मेडल मेरे सलंग हैं, फर्स्ट मुझे किसी ने दिया नहीं और सेकंड मैंने छोड़ा नहीं। तो लोग वागों ने मेरा नाम भी एक चेतन शर्मा भी रख दिया था जो क्रिकेटर था, क्योंकि चेतन शर्मा ने अपनी ज़िंदगी में कभी शतक नहीं बनाया मगर उसके मतलब अर्धशतक बहुत थे। तो मेरे जो गेम के साथ मेरे पुलिस वाले थे तो मेरे कई नाम थे, मुझे शेषनाग भी बोलते थे क्योंकि जब मैं टेंट पैकिंग करता था तो वो कहते थे बोले नाग आ रहा है और मुझसे लोग कहते बोले ये चेतन शर्मा है, इसने कभी शतक नहीं बनाया। मतलब 11 मेडल सलंग पुलिस में लेना बहुत मायने रखता है और उसी आधार पर मुझे फिर प्रेसिडेंट अवार्ड मिला और विक्रम अवार्ड में नेशनल खेला। आगे अपने जो मिनी एशियन गेम होते राष्ट्रीय खेल वो मैंने 4 बार खेला, उसमें मुझे विक्रम अवार्ड मिला जिसमें मैंने 3 बार 2 थर्ड लिए 1 सेकंड लिया और टीम में हमारा ड्रेसाज में ही गोल्ड मेडल था। ज़्यादातर से मेरा गेम था ड्रेसाज, जंपिंग और कम कराता था टेंट पैकिंग और ड्रेसाज। जब मेरे गुरु ये कहते थे कि यार तुम अगर टेंट पैकिंग कराएगा तुम्हारी ग्रिप खराब हो जाएगी, इसलिए वो मेरे से जंपिंग नहीं कराते सर, मुझे ड्रेसाज और टेंट पैकिंग, ये मेरे सर वहाँ पर बहुत। तो जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी हैं जो घुड़सवारी क्षेत्र में आना चाहते हैं, घुड़सवारी करना चाहते हैं जी, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से तैयारी करना चाहिए और उनके लिए एक क्या क्या मुश्किलें हो सकती है और क्या क्या आसानी हो सकती है? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मेरे ये क्लब है, इस क्लब में मैंने अभी मेरे क्लब से जो बच्चे निकले, अभी 3 बच्चे मैंने यहाँ से जो ट्रेंड करके भेजे हैं वो एकेडमी भोपाल में जा कर के उनको मतलब ज्वाइन कराया, एक आराध्य गया, आराध्य चौहान, एक जय गया और एक संस्कार, 3 बच्चे अभी वहाँ गए हैं। इससे पहले मतलब सुदीप्ति हजेला, परिधि जोशी, हीरल जोशी, कृष्णा जोशी, ये सब बच्चे मेरे यहाँ से निकले और मैं आज भी कहता हूँ कि अगर जिन मेरे यहाँ कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है कि मैं तो ये सोचा कि मतलब अलग खर्चा है, यानी घुड़सवारी सर बहुत खर्चा है, बहुत महंगा गेम है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चा कहीं भी कोई ट्रेनिंग करता है, कुछ भी करता है, मुझे यहाँ से जो भी ये दे रहे हैं वो तो मुझे कोई ज़्यादा पेमेंट में पैसे भगवान बहुत दे रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिन बच्चों को मैं ट्रेंड करूँ, ट्रेंड करके आगे खेलें और आगे अगर वो मेडल लाते हैं तो सर मुझे इससे बढ़कर खुशी दुनिया में कुछ नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे आए और ट्रेनिंग करें और मैं उनको ट्रेंड करूँगा। तो निहाल सिंह जी, वेब दुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।